जलेबी वाला ट्रेन में बैग चोरी, एक अनजान स्टेशन में बिना पैंट शर्ट के सिर्फ चड्डी में उतरकर ट्रेन से भाग रहे विक्की को वहां पर टिकट कलेक्टर ने रोका। टिकट कलेक्टर, अरे भाई रुको, ऐसे भी क्या जल्दी है, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे शेर पड़ा है। तभी अचानक विक्की रुका और बिलक बिलक कर रोने लगा। तब टिकट कलेक्टर, अरे भाई तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, मैं नहीं पसीजूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वेयर इज योर टिकट, शो मी। तब विक्की, टिकट नहीं है साहब। तब टिकट कलेक्टर, तो ठीक है जुर्माना भरो। तब विक्की, अरे कहां से भरूंगा साहब, आपकी मांग भरूं, अरे मेरे पास बटुआ नहीं है। टिकट कलेक्टर, ना पर्स है ना टिकट है और तुम्हारे शरीर में कपड़ा नहीं है, ये एक्सपोजिंग क्या कर रहे हो तुम, बिना टिकट के यात्रा के लिए तुम्हें 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और बिना कपड़ों के घूमने के लिए 1000 रुपए और, या तो पैसे भर के जाओ या फिर मैं तुम्हें इस बेंच के साथ बांध कर बिठा देता हूँ। तब विक्की, लेकिन सर ये तो अन्याय है, आप जानते भी हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक लेखक हूँ। तब टिकट कलेक्टर, अच्छा तो चलो एक बढ़िया सा कहानी सुना दो, वैसे तुम कैसे लेखक हो, सिनेमा के लिए कहानी लिखते हो, सीरियल्स के लिए कहानी लिखते हो या फिर मैगजीन के लिए कहानी लिखते हो। तब विक्की, मैं एक डॉक्यूमेंट्री राइटर हूँ सर, वैसे मेरे साथ क्या हुआ मैं बताऊँ, कहकर उसने बताना शुरू किया। मेरी नई नई शादी हुई थी सर, फिर भी मेरे बॉस ने मुझे ये कहकर कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत खास है और तुम्हें पर्सनली जाकर डिलीवर करना होगा, मुझे भेज दिया सर। तब टीसी, तुम्हें कहना चाहिए था कि मेरी शादी नई नई हुई है। तब विक्की, मैंने कहा था सर, बहुत मिन्नतें भी की, अरे ये तो मेरे शादी में आकर डटकर खा कर गए थे, मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया था कि आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया सर। तब टीसी, फिर भी उसने भेज दिया। विक्की, हाँ सर, लेकिन उन्होंने वादा किया था ये डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करके आ जाओ तो मेरे हनीमून के लिए वो दार्जिलिंग के 2 टिकट्स मुझे देंगे, उसके लालच में आकर मैं ट्रेन चढ़ा था सर, बस वहीं मुझे एक हीरा मिला, कट किया तो रेलगाड़ी में बड़े भोलेपन के साथ किताब पढ़ रहे मुन्ना दिखाई देता है ट्रेन में बैठा हुआ। मुन्ना को देखकर विक्की, आप कहाँ तक जा रहे हैं, दिल्ली तक। मुन्ना, हाँ सर, मेरे माँ ने मुझे कहा कि किसी भी तरह तुम IAS ऑफिसर बनकर लौटना, और ये देखिए मेरे हाथ में तावीज भी बांधा है साहब, कहकर अपने हाथ में लटक रहे जलेबी को दिखाया। तब विक्की, अरे ये क्या, ताबीज तो धागे से बांधा जाता है और तुमने अपने हाथ में जलेबी बांध रखा है। तब मुन्ना, सर बात ये है कि मेरे पिताजी एक जलेबी वाले हैं, वो ट्रेन में जलेबी बेचते हैं, वो चाहते हैं कि एक जलेबी वाले का बेटा किसी भी तरह IAS ऑफिसर बन जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा सर। विक्की, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आदमी चाहे तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, ये सब तो ठीक है लेकिन ये जलेबी को क्यों हाथ में बांध रखा है। तो अपने पास जलेबी वाला एक थाली दिखाते हुए मुन्ना, सर मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का बनाया हुआ जलेबी इस ट्रेन में बेचूं और उससे थोड़ा पैसे कमाऊं अपने IAS की तैयारी के लिए, वो पैसे मेरे काम आएंगे ना सर। तब विक्की, अरे वाह क्या दिमाग है, वो थाली मुझे दो, मैं बेच कर लाता हूँ, कम ऑन। लीजिए जलेबी, लीजिए गर्मा गर्म जलेबी, लीजिए मीठे मीठे जलेबी, होने वाले एक IAS ऑफिसर के लिए इसे जरूर खरीदें, आपका खरीदा हुआ हर एक जलेबी इस देश के लिए एक नए IAS ऑफिसर को तैयार करेगा, कहकर उस डिब्बे में बैठे हर एक यात्री से उसने जलेबी खरीदवाया। सबने जलेबी लिया, पैसे दिए और जलेबी खाने लगे। वो पैसे लेकर विक्की मुन्ना के पास आया और कहने लगा, ये लो भैया पैसे, अब तुम मन लगा कर पढ़ो और IAS ऑफिसर बनो। तब मुन्ना की आंखें भर आई, वो कहने लगा, आप जैसे बड़े लोग इस दुनिया में हैं, ये मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज मैंने देख भी लिया, ये लीजिए साहब ये जलेबी आप ले लीजिए, कहकर विक्की के हाथ में एक बड़ा जलेबी रख दिया। विक्की पैसे देने लगा तो मुन्ना, नहीं सर, आप जैसे नेक दिल इंसान से पैसे नहीं लेने चाहिए, आपके लिए ये मुफ्त है सर। तब विक्की, थैंक्स भैया, तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कहकर
कहानी सुनाते हुए विक्की रोने लगा। तब टीसी, भाई ये तो तुमने अच्छा काम किया, फिर रो क्यों रहे हो? तब विक्की, मैंने उसे आशीर्वाद देकर लेटने लगा और वो बैठा रहा। मैंने उसे कहा, भैया तुम जागे क्यों हो, तुम भी सो जाओ। तब उसने कहा, नहीं सर मैं और पढ़ूंगा। मैंने कहा, ठीक है मुझे नींद आ रही है मैं सो जाता हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरा सूटकेस, मेरे बॉस का दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि मेरे तन पर कपड़े भी नहीं थे सर। तब टीसी, भाई तुम्हारे कहानी के एंडिंग में कोई खास मजा नहीं आया। ऐसा कहा। तब विक्की, ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? तब टीसी, वो देखो वहाँ, यूं इशारा किया। जब विक्की ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसी की तरह सब लोग सिर्फ चड्डी में खड़े हैं और सब विक्की की ओर गुस्से से घूर रहे थे। तब विक्की, पर ये सब मेरी ओर क्यों इतने गुस्से में घूर रहे हैं सर? तब टीसी, तुमने उन्हें जलेबी जबरदस्ती बेचा ना, इसीलिए उनका ये हाल है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि बच्चों याद रखोगे तुमने जिस फेक आईएएस की मदद के लिए जलेबी बेचा उसने सबके कपड़े उतार दिए, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर विक्की दंग रह गया। गरीब माँ पराठा वाली। तरुण कहकर एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसका पिता देवनाथ एक ऑफिस में हेड क्लर्क का काम करता था। उसकी माँ का नाम जमुना रानी थी। उनका एक बड़ा सा बंगला था। घर में सिर्फ जमुना रानी की ही राज्य चलता था। उनके बारे में ज्यादा नहीं जानने वाले उनके काम वाली से, अरे उस घर का मालिक कोई ऑफिस में हेड क्लर्क है ना, फिर उनका पत्नी को देखने से हमेशा बदन भर के गहने पहनकर सबके ऊपर अधिकार दिखाती रहती है, फिर ये बंगला और वो संपत्ति कहाँ से आए? पूछा तब काम वाली, हमारी मालिक तो साधारण परिवार से है मगर हमारी मालकिन बहुत धनवान जमींदार की बेटी है। मालिक को कॉलेज में प्यार करके उनके माँ पिता को मनाकर शादी किया है, इसलिए इतना घमंड और अहंकार है, बोली। एक दिन जमुना रानी, कल मेरी माँ का जन्मदिन है, हमारे घर में पार्टी अरेंज कर रही हूँ। कल आपका वो बेकार का ऑफिस से जल्दी वापस आइए। असल में आप वो छोटा सा नौकरी क्यों करते हैं, छोड़कर आराम से घर में बैठे कहने से नहीं सुनते हो? अगर कोई आपके बारे में क्या करता है पूछा तो कहने के लिए मैं शर्म से मर रही हूँ। आपको तो सिर्फ वो बेकार का नौकरी ही महत्वपूर्ण है, अपना आत्मसम्मान कहकर, बोली। वो सब सुनकर तरुण, अरे नानी का हैप्पी बर्थडे है कल। डैडी आपके माँ का जन्मदिन तो कभी भी हमारे घर में नहीं मनाते हो, असल में दादी कहाँ है? पूछा। तब देवनाथ कुछ कहने ही वाला था तभी जमुना आकर, आ वो तुम्हारे पैदा होने के 6 महीने के बाद ही कुछ तीर्थ यात्रा जाना है कहकर चली गई है। और वैसे भी वो सब बातें अभी क्यों, जाकर क्रिकेट खेलो, कोहली की तरह बड़ा प्लेयर बनना है तुम्हें, कहकर वहाँ से चली गई। तब तरुण अपने पिताजी से, अब बताओ पिताजी आपके पास दादी का फोटो है क्या? दादी कैसी दिखती है देखना चाहता हूँ पिताजी, पूछा। तब देवनाथ, हाँ है बेटा, जब तुम छोटे बच्चे थे और तुमसे दादी खेल रही थी तब मैंने फोटो लिया था, कहकर उनके पर्स से एक छोटा सा फोटो निकाल ही रहा था। तभी जमुना फिर से आकर, अरे भूल गई, माँ के लिए मोती का नेकलेस खरीदना है, चलिए चलिए, कहकर देवनाथ को लेके चली गई। तरुण और कुछ दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, शॉट के ऊपर शॉट मार रहा था, सब फोर्स और सिक्सेस ही मार रहा था, सब लोग तालियां बजा रहे थे। एम्पायर वाला दोस्त, अब एक और सिक्स मारा तो सेंचुरी हो जाएगा, कहकर चिल्लाया। तुरंत ही हवा में आया हुआ बॉल को फाट से मारा, वो जाकर थोड़े दूर में एक बूढ़ी औरत को लगकर, वो बूढ़ी औरत कहकर चिल्लाकर सर पकड़ लिया। तब तुरंत ही बॉल और बैट को बाजू में फेंक कर तरुण और उसके दोस्त उसके तरफ भाग कर गए। वहाँ एक छोटा सा झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत पराठा बना रही थी, उनके सर को ही बॉल लगा था। तब तरुण, अरे रे रे रे, दादी जी बहुत जोर से लग गया लग रहा है यार, हमारा फर्स्ट एड किट कहाँ पर है, कहकर घबराते हुए चिल्लाया। ऐसा तरुण उनका दादी को फर्स्ट एड करके सर में पट्टी बांधा। तब दादी, बेटे आप लोग मेरे पोते का उम्र के बच्चे हो, मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हो, घबराओ मत, छोटा सा चोट है, बैठिए बैठिए गरम गरम पराठा खिलाती हूँ, खाइए, कहकर गर्मा गर्म पराठे बनाकर प्लेट में डालकर उनको दिया।
एक बच्चा ने खाकर, अरे वाह यार तरुण, सेंचुरी मारा, इसलिए हमें अच्छा सा पराठे खाने उपहार जैसा मिला, दादी जी की जय, कहा दूसरा बच्चा। ओह इतना स्वादिष्ट हमारे घर में नहीं बनता है, कहा तब और एक बच्चा। तरुण प्लीज यार, रोज शाम को प्रैक्टिस होने के बाद आखिर में जोर से सिक्स दादी जी के तरफ मारोगे तो रोज दादी जी के हाथ से गरम गरम पराठे खा सकते हैं, कहा तब और एक बच्चा। अरे तरुण मारना है तो मारो, मगर दादी जी को लग गया तो मार डालूंगा तुमको, कहा। वो सुनकर दादी के साथ सब लोग हंसने लगे। एक दिन तरुण बैट पकड़कर घर से बाहर जा रहा था, तभी सोफा में उनका पिताजी का पर्स को देखा। उस पर्स को उठाकर, ये तो पिताजी का पर्स जैसा लग रहा है, सोफा में गिर गया है, देखे बिना ऑफिस चले गए हैं क्या, कहकर पर्स को फिर से सोफा में फेंका। तभी पर्स में से छोटा सा फोटो बाहर निकला। तरुण उस फोटो को फिर से पर्स में डालते हुए उसको देखा, तब तरुण, अरे ये तो पराठा दादी जी है, परसों को दादी जी का फोटो दिखाने को पूछा था तो पिताजी ने ये फोटो ही बाहर निकाल कर दिखाने के लिए देखे, इसका मतलब वो पराठा वाली दादी जी ही मेरी दादी है, सोचा। बाद में तरुण उनके फ्रेंड्स के साथ दादी के पास गया, दादी जी को जोर से पकड़कर, दादी दादी, कहा तब दादी, क्या हुआ पोते, भूख लग रही है क्या, आज तो क्रिकेट खेले भी नहीं आ गए, कहकर पराठे बनाने लगी। तब तरुण, क्रिकेट छोड़ो दादी, मगर देवानाथ आपका क्या लगता है, कहकर पूछा। तब दादी हैरान होकर, वो मेरा बेटा है, तुम्हें कैसे पता है, पूछी। तब तरुण, आपका बेटा मेरे पिताजी है, हंसते हुए कहा। तब दादी को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़े देर के बाद समझ में आने के बाद, मेरा पोता कहकर आंखों में आंसू भर गए। तभी तरुण के दोस्त सब लोग जोर से, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, बोले। तब एक दोस्त, कॉन्ग्रेट्स यार तरुण, इतनी महान दादी तुम्हारी खुद की दादी है, कहा। तब तरुण, वो सब तो ठीक है दादी, मगर मेरी माँ को तुम पर क्यों गुस्सा है, पूछा। तब दादी, क्योंकि तुम्हारी माँ बड़े घर में पैदा होकर बड़ी हुई है, इसलिए सबके ऊपर उतना गुस्सा रहता है, मगर मैंने घर उसकी वजह से नहीं छोड़ा है, कहकर उसके हाथ में सफेद रंग का निशाना दिखाकर, ये सफेद निशान कुष्ठ रोग है कहकर, वो उनको और तुमको फैल जाएगा कहकर बहुत झगड़ा करने की वजह से मैं ही उस घर से निकलकर बाहर आ गई, मेरा साया भी किसी को पता चले बिना यहीं पर रहती हूँ, आखिर में भगवान ने मेरा पोते को मेरे पास ही भेजा, बोली। तब एक दोस्त, तरुण कल ही मेरे मामा जी और मामी अमेरिका से आए हैं, मेरे मामा जी बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट है यार, दादी को मैं मामा जी से कहकर ट्रीट करवाऊंगा, कहा। तब तरुण, ठीक है फिर तो अभी दादी के बारे में घर में नहीं बताऊंगा, ये निशाना ठीक होने के बाद बताऊंगा, कहा। ऐसे दादी का इलाज करवाया है तरुण, उनके निशाने भी गायब हो गए। एक दिन दादी को लेकर तरुण अपने घर गया, माँ को देखकर देवनाथ खुशी से माँ माँ कहकर आंखों में आंसू भर के अपनी माँ को गले लगाया। तब जमुना रानी, ये क्या सासू माँ, आपका तीर्थ यात्रा इतना जल्दी खत्म हो गया है क्या, पूछी। तब तरुण ने दादी का हाथ दिखाकर, माँ दादी का वो सफेद निशाने कम हो गए हैं, वो निशाने फैलने वाला नहीं है और वो मामूली निशान है, दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा कहकर एक अमेरिका का डॉक्टर ने ठीक किया, दादी जी को तभी डॉक्टर को दिखाया हुआ होता तो अच्छा होता था ना, माँ बचपन में तुमने मुझे दादी का प्यार नहीं मिलने दिया, कल अगर आपको कुछ बीमारी आया तो अगर मैं आपको घर से निकाल दिया तो आपको कैसे लगेगा माँ, दूसरों को कम नजर से देखने वालों को भगवान भी कम नजर से देखेगा कहकर हमारे हिंदी मास्टर हमेशा कहते रहते हैं, बी ह्यूमन माँ, कहा। तब जमुना के आंखों में आंसू आए और अपना गलती का एहसास होकर उनके सासू माँ को हाथ जोड़कर माफी मांगी।